BTS जिसे बैंगटन बॉयज के नाम से भी जाना जाता है, एक 7 सदस्यीय दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड है जो बिग हिट एंटरटेनमेंट के तहत 2013 में शुरू हुआ। मूल रूप से एक हिप हॉप समूह जिसकी संगीत शैली कई प्रकार की शैलियों को शामिल करने के लिए विकसित हुई है। उनके संगीत अक्सर व्यक्तिगत और सामाजिक टिप्पणियों पर केंद्रित होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, स्कूली उम्र के युवाओं की परेशानियों और आने वाली उम्र, हानि, खुद से प्यार करने की यात्रा और व्यक्तिगतवाद के विषय पर स्पर्श करते हैं। उनके काम में साहित्य और मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के संदर्भ शामिल हैं। 2013 में उनके एक एल्बम टू कूल फॉर स्कूल के डेब्यू के बाद BTS ने 2014 में अपना पहला कोरियाई भाषा का स्टूडियो एल्बम डार्क एंड वाइल्ड और जापानी भाषा का स्टूडियो एल्बम वेक अप जारी किया। समूह का दूसरा कोरियाई स्टूडियो एल्बम विंग्स दक्षिण कोरिया में 1,00,000 प्रतियां बेचने वाली पहली कंपनी बनी। BTS दक्षिण कोरिया इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाला कलाकार है और दक्षिण कोरिया में मैप ऑफ द सोल के साथ सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम रखता है। टाइम्स के अंतरराष्ट्रीय कवर पर नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स के रूप में प्रदर्शित BTS पत्रिका की इंटरनेट पर 25 से सबसे प्रभावशाली लोगों और दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी दिखाई दिया है, जहां वे थे प्रिंस ऑफ पॉप। BTS को उनके काम के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें 6 अमेरिकी संगीत पुरस्कार, 9 बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार और 24 गोल्डन डिस्क पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार और ब्रिट पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। BTS का नाम बैंगटन सोनयेनडन से जुड़ा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। ग्रुप मेंबर जे होप के अनुसार यह नाम समूह की रूढ़िवादिता, आलोचना और अपेक्षाओं को अवरुद्ध करने की समूह की इच्छा को रखता है। जापान में उन्हें वोडन सोलेडन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उनके नाम को बढ़ते युवा BTS के रूप में विस्तारित किया, जो उनकी वास्तविकताओं से परे जा रहे हैं। 2017 में BTS ने घोषणा की उनका नाम उनकी नई ब्रांड पहचान के हिस्से के रूप में बियॉन्ड द सीन के लिए खड़ा होगा। इसने उनके नाम को बढ़ते युवा BTS के रूप में विस्तारित किया, जो उन वास्तविकताओं से परे जा रहे हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको भी BTS पसंद है और आपका फेवरेट BTS मेंबर कौन है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।